हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जाहिद खान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने भारत के इतिहास एक विषय, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को 52 क्वेश्चंस अपलोड करके बताया था इस विषय पर। आज हम लोग इसी विषय पर दोबारा बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर है ये, जिसका मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये धर्म गुरु की किताब से लिया हुआ क्वेश्चंस है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादातर आपके आरटीजेसीओ के पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। आज मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस जीके का बताने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इन सभी क्वेश्चंस के मैं ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में अपने बताया हुआ है। इन सब का मैं आप लोगों को उत्तर देता जाऊंगा। आप लोगों को बहुत ध्यान से देखकर और समझकर पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। 52 क्वेश्चंस तक बता दिया था, 1 से 52। अब 53 से शुरू कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चंस तक बताऊँगा। आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम की चट्टानों को काट कर बनाए मंदिर किसके संरक्षण में बनाए गए थे? इसका जवाब होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट 54 क्वेश्चंस है, इसका जवाब होगा सी। नेक्स्ट 55 है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, साथ में कूट भी दिए हुए हैं, जैसा कि इससे पहले वीडियो में था। तो 55 के क्वेश्चंस का आंसर होगा डी। फ्रेंड्स, बहुत ही समझकर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस हल करने हैं, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चंस का बताऊंगा ऑप्शंस के साथ। तो बहुत से क्वेश्चंस में कथन के साथ कारण है और कूट भी दिए हुए हैं, जैसा कि इस क्वेश्चंस में भी है, 55 वाले में। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसी तरह बताऊंगा आप लोगों को। 55 का आंसर है डी। नेक्स्ट 56 है, निम्नलिखित प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। फिफ्टी सिक्स क्वेश्चंस का आंसर है सी। 57 का उत्तर है ए। इसी तरह 58 का उत्तर है ए। 59 का उत्तर है सी। 60 का उत्तर है सी। 61 का उत्तर है सी। 60 को बहुत ही ध्यान से देखिए। 60 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 62 का क्वेश्चन है बी। 63 का क्वेश्चन है बी। 64 क्वेश्चन का उत्तर है बी। 65 क्वेश्चन का उत्तर है सी। 66 क्वेश्चन का उत्तर है
बी इसी तरह 67 क्वेश्चन का उत्तर है ए। 68 क्वेश्चन का उत्तर है जो कि कथन और कारण दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, इसको समझकर आपको करना है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए। 68 का उत्तर होगा सी। सिक्सटी नाइन क्वेश्चन का उत्तर है सी। 70 का उत्तर है बी। 71 क्वेश्चन का आंसर है बी। 72 क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन का आंसर है ए। 73 क्वेश्चन है इसका आंसर है 73 का आंसर है सी। 74 का आंसर भी सी। 75 का आंसर है डी। सेवेंटी फाइव का आंसर है, सॉरी ये गलत हो गया है। 75 का आंसर होगा बी। सेवेंटी थ्री का आंसर है सी। 74 का आंसर है सी। 75 का उत्तर है बी। 76 का उत्तर है डी। 77 क्वेश्चन है, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है? प्रश्न 77 का उत्तर है प्रश्न 77 का उत्तर होगा बी। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है, क्या कहलाता है? नवरात्रि, नवरोज, नव दिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है ऑप्शन बी, नवरोज। 78 का उत्तर है सी। 79 का उत्तर है बी। सवाल नंबर 80। 80 का उत्तर है सी। 81 सूची दी हुई है, साथ ही साथ इसमें उसके कोड भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन 81 इसका उत्तर है बी। 81 ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, इसको हल करिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताया हुआ है, सिर्फ आप लोगों को उत्तर बताए जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 81 का उत्तर है बी। 82 का उत्तर है बी।
83 का उत्तर है सी, 84 का आंसर है ए, 85 ये भी सूची है, इसका उत्तर है डी, एट्टी सिक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, 87 प्रश्न है, 87 का उत्तर होगा ए, 88 का उत्तर है डी, 89 का उत्तर है ए, 90 वाले प्रश्न का उत्तर है ए, 91 का उत्तर है सी, 92 प्रश्न का उत्तर है डी, 93 वाले प्रश्न का उत्तर है सी, 93 प्रश्न का उत्तर है सी, 94 प्रश्न का उत्तर है डी, 95 का उत्तर है सी, 96 का उत्तर है बी, 97 का उत्तर है ए, 97 क्वेश्चन है, मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? 97 का उत्तर है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, 98 इसका उत्तर, गुप्त काल में किस शासक को उसकी सैन्य कुशलता एवं कुशल प्रशासन के लिए भारत का नेपोलियन कहा गया है? 98 प्रश्न है, ध्यान से देखिए, इसका उत्तर है बी, 99 प्रश्न, इसका भी उत्तर बी, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस का उत्तर है बी, 101 प्रश्न का उत्तर है सी, 102 प्रश्न का उत्तर है ए, 102 प्रश्न का उत्तर है ए, 103 प्रश्न है उसका आंसर है ए। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, एक सौ चार इसका क्वेश्चन है ए, 105 क्वेश्चन का उत्तर है सी, 105 क्वेश्चन का उत्तर है सी, 106 प्रश्न है उसका आंसर होगा सी, 107 क्वेश्चन है
महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? इस प्रश्न का उत्तर खोजिए, क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है, गेस करिए। एक सौ सात प्रश्न का उत्तर है बी, 106 प्रश्न का उत्तर है सी, 107 प्रश्न का उत्तर है बी, फिरदौसी। प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की फिरदौसी। 108 क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? लाहौर। ऑप्शन नंबर बी। 109 प्रश्न है, उसका उत्तर है बी, 110 क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा सी। एक सौ दस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी, 111 क्वेश्चन का उत्तर होगा डी, 112 क्वेश्चन का उत्तर होगा सी। वन हंड्रेड थर्टीन क्वेश्चन है, इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114। 114 इसका उत्तर होगा उत्तर ए, ऑप्शन ए, मोहम्मद तुगलक। एक सौ पंद्रह क्वेश्चन का उत्तर होगा ए। 116 क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन होगा बी। 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है और माइंड में फीड कर लेना है, याद करते चलिए सभी क्वेश्चंस के आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117, इसका उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 118, इसका उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 119, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 120, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 120, इसका ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 121, इसका ऑप्शन होगा सी। प्रश्न 120 का ऑप्शन है बी। प्रश्न 121 का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 122, इसका ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 123, इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन है 123 प्रश्न का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124, 124 प्रश्न का उत्तर होगा ए।
125 क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 126, इसका उत्तर है सी। क्वेश्चन 127, इसका उत्तर है बी। सारे सवालों को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, इसका उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 129, इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 130, इसका ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 131, इसका ऑप्शन है सी। वन थर्टी प्रश्न का उत्तर है बी। 131 का उत्तर है सी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 131 क्वेश्चन का उत्तर है सी। 132 का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, वन थर्टी थ्री क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 133 का ऑप्शन है सी। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 134 पर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, इन दोनों सूची को सुमेलित करना है और इसका जवाब बताना है। 135 प्रश्न है, उसका ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 137, इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138, इसका ऑप्शन है ए। प्रश्न 139, 139 का ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन थर्टी नाइन का ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस कथन को ठीक से पढ़कर आप लोगों को ध्यान पूर्वक तब इसका आंसर देना है। इसका ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। प्रश्न 140, इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 141, अकबर की जाप्ती एवं आईनी दहशाला प्रणाली का जन्मदाता टोडरमल अकबर से पूर्व किस शासक के अधीन कार्यरत था? क्वेश्चन नंबर 141,
ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 141, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन को मैंने छोटा कर दिया है। ऑप्शन ए था बाबर, बी था हुमायूं, सी था शेरशाह या डी कोई नहीं। इसका उत्तर है सी शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 142, मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के हिंसासन सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। प्रश्न 142, इसका उत्तर है सी हेमू। प्रश्न 143, इसका उत्तर है डी। प्रश्न 144, इसका उत्तर है बी। मैं बार बार आप लोगों को ये बताता चल रहा हूँ कि सभी प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा, कुछ गलती मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 145। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। इसमें कारण दिए हुए हैं, आपको इसका ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 145, इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। 146, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। प्रश्न 147, इसका ऑप्शन है सी। प्रश्न नंबर 148 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 148, इसका उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 149। प्रश्न नंबर 149, शिवाजी के समय में अष्ट प्रधान कहा जाता था। किसको कहा जाता था? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 149, इसका उत्तर है सी। प्रश्न 150, जो कि प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना। क्वेश्चन नंबर 150, चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बताना है सबसे सही प्रश्न कौन सा, उत्तर इसका क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151, इसका उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 151 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 152। 152 प्रश्न ये है, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों के पूर्ण अधीन हो गया। प्रश्न 152 है, इसका उत्तर खोजिए क्या होना चाहिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज के इस वीडियो का पूरा 100 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ नीचे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया हुआ है, नीचे नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया हुआ है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए और भी बहुत सारे प्रश्न जो कि भारतीय इतिहास के विषय पर दिया हुआ है, अभी और भी प्रश्न इसके बाकी हैं, दो दो दिन पर मैं अपलोड करता रहूँगा। आप उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को देखकर समझकर पढ़ेंगे। बाकी और भी सारे विषय हैं, जैसे भारत का भूगोल है, संगठन है, पुरस्कार, सम्मान, पुस्तकें, खेल कूद के बारे में एवं लेखक, इन सभी के विषय में मैं आप लोगों के लिए बुक से प्रश्न की उत्तरमाला ढूंढकर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।